पहले जितनी घटनाएं घटती थी उसकी तुलना में तो अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ। ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कि पूरे तौर पर घटना समाप्त हो। रोगी मॉडल की बात हो रही है, त्वरित कार्रवाई की बात होनी चाहिए। रोगी मॉडल की बात हो रही है, त्वरित कार्रवाई की बात होनी चाहिए। सत्यता के साथ लोगों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारी बात दो दिन पहले भी हमारी एक बैठक थी, उसमें भी हमने पूरे अपने जो समीक्षा की बैठक होती है काम करना तो पुलिस का, और पूरे तौर पर एक एक रूप पर नजर रखनी चाहिए और अपराध पर जितना नियंत्रण पहले जितनी घटनाएं घटती थी उसकी तुलना में तो अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई घटना घटती तो ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कि पूरे तौर पर घटना समाप्त हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले होते ही, हम तो हमेशा बोलते हैं चाहे कुछ भी आप करिए लेकिन कुछ ना कुछ तो का स्वभाव होता है, कुछ इधर उधर गड़बड़ी करने वाला होता है। लेकिन पूरे तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई है उस हिसाब से अपना करना चाहिए, और ये काम है पुलिस का काम है, वो पुलिस काम करती है। रोगी मॉडल की बात हो रही है, त्वरित कार्रवाई की बात होनी चाहिए। आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के क्या कहा, लेकिन जब सवाल यूपी के योगी मॉडल को लेकर के हुआ तो नीतीश कुमार ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान करने पहुंचे थे और वहीं पर उनसे ये सवाल किया गया कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी हो रहा है कि क्या बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी रही है सुशासन यानी कानून व्यवस्था। ये बात सतत पक्ष के भी लोग खारिज नहीं कर सकते कि हाल के दिनों में बिहार के अंदर आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लगातार राजधानी पटना में बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां आपराधिक वारदात नहीं हो रही है। लूट, हत्या और बाकी घटनाओं को लेकर के बिहार पुलिस एक बार फिर से अपना इकबाल कायम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए राज्य के डीजीपी अब रात में थानों की गश्त लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर ये आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि उन्होंने बिहार को शराबबंदी के चक्कर में बर्बाद कर दिया है। दरअसल पुलिस को सबसे पहला जिम्मा जो है वो शराबबंदी कानून को सफल बनाने का दिया गया है। राज्य की पुलिस सरकार के आदेश के मुताबिक जो शराब पीने वाले लोग हैं या शराब माफिया है उसके ऊपर कार्रवाई करने में ज़्यादा जुटे हुए नजर आते हैं और नतीजा ये होता है कि बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपराधी बेखौफ घूमते रहते हैं। राजधानी पटना में जेडीयू नेता की हत्या, दरभंगा में लूट की लगातार घटनाएं, पटना में हर दिन एक व्यक्ति को गोली मारने या फिर हत्या की घटना को लेकर के लगातार सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार ने आज जो कुछ कहा है वो बयान आपको सुनवाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में पहले की अपेक्षा में सुधार हुआ है। अब ये तुलना अगर नीतीश कुमार 2005 के दौर से कर रहे हैं तो शायद ये माना जा सकता है कि सुधार हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के 2005 में शासन संभालने के बाद 2010 और 2013 तक जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही उसके बाद जो उसमें गिरावट आई है पिछले कुछ वर्षों में, उस पर शायद नीतीश कुमार भी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन चूंकि सवाल हुआ तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है और सुशासन की सरकार चल रही है। ये अलग बात है कि योगी मॉडल को लेकर के जो सवाल किया गया था वो नीतीश को भी नागवार गुजरा। देखिए पूरा बयान। पूरे तौर पर सत्यता के साथ लोगों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारी बात दो दिन पहले भी हमारी एक बैठक थी, उसमें भी हमने पूरे अपने जो समीक्षा की बैठक होती है काम करना तो पुलिस का, और पूरे तौर पर एक एक रूप पर नजर रखनी चाहिए और अपराध पर जितना नियंत्रण पहले जितनी घटनाएं घटती थी उसकी तुलना में तो अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई घटना घटती तो ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कि पूरे तौर पर घटना समाप्त हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले होते ही, हम तो हमेशा बोलते हैं चाहे कुछ भी आप करिए लेकिन कुछ ना कुछ तो का स्वभाव होता है, कुछ इधर उधर गड़बड़ी करने वाला होता है। लेकिन पूरे तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई है उस हिसाब से अपना करना चाहिए, और ये काम है पुलिस का काम है, वो पुलिस काम करती है। रोगी मॉडल की बात हो रही है, त्वरित कार्रवाई की बात होनी चाहिए।
इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।